हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो हम बताने वाले हैं कि जो हमारा नोकिया फ़ोन है तो नोकिया फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में इमरजेंसी इन्फॉर्मेशन सेटिंग्स है तो इमरजेंसी इन्फॉर्मेशन सेटिंग्स को आप कैसे सेट कर सकते हैं नोकिया फ़ोन की सर्चिंग सेटिंग्स पे जाकर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो फ़ोन के आइकन्स हैं इस तरीके से शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही और आइकन्स ओपन आएंगे। तो जो हमारे फ़ोन में इमरजेंसी इन्फॉर्मेशन सेटिंग्स है तो इमरजेंसी इन्फॉर्मेशन सेटिंग्स को आप कैसे सेट कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं फ़ोन की सेटिंग्स शो हो रही है, तो आपको यहाँ से सेटिंग्स को ओपन कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर सर्च करना है इमरजेंसी इन्फॉर्मेशन सेटिंग्स, इमरजेंसी इन्फॉर्मेशन सेटिंग्स। तो इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करते ही आप इसका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से मेडिकल इन्फॉर्मेशन को आप सेट कर पाएंगे, जो भी मेडिकल इन्फॉर्मेशन नेम आप सेट करना चाहते हैं कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास जो ऑप्शन आता है ऐड इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ से ऐड इन्फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। जैसे आपका जो नेम है यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं, या फिर एड्रेस, जो भी आपका प्रूफ एड्रेस जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ का एड्रेस सेट कर पाएंगे, या ब्लड टाइप, आपका जो भी ब्लड टाइप है वो भी लिख सकते हैं। एलर्जीज वगैरह जो आपको कोई प्रॉब्लम होती है जैसे इसको यहाँ पर सेव कर सकते हैं। मेडिकेशन यानी आपकी कोई भी दवाई वगैरह चल रही हो तो उसको सेट कर पाएंगे। ऑर्गन डोनर, आप अपने फ़ोन के जो भी आपके शरीर ऑर्गन्स होते हैं उसको डोनर करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं। मेडिकल नोट्स वगैरह आप लिख सकते हैं यहाँ से, जो भी आपके मेडिकल नोट्स वगैरह होंगे तो इसको आप सेट कर पाएंगे। इसी तरीके से हमारे पास जो ऑप्शन आता है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट, तो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट को भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। जो भी आपका इमरजेंसी कॉन्टैक्ट है, जिसका आप इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट होगा तो उसको आप यहाँ से सेट कर पाएंगे। जैसे हमने सोनी नाम से सेट कर दिया तो इसका आप इमरजेंसी कॉन्टैक्ट को आप सेट कर पाएंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से इमरजेंसी इन्फॉर्मेशन सेटिंग्स को सेट कर सकते हैं नोकिया फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।